सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस माइनक्राफ्ट वीडियो में मैं कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल गाइस, आज के इस माइनक्राफ्ट वीडियो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। ऐसा आपने कभी देखा कोई स्टार्टिंग कर रहा है अभी बस एक घर बनाया है और चल गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। मैंने देखा सबसे कम मतलब इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या चीज़ का, तो मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला और मेरे लिए काम का भी था। मुझे जो ऊपर दिख रहे हैं आप लोग गाइस, ऊपर जिस कोबलस्टोन से मैंने किया वहाँ पर मैं एक महल बनाने वाला था, एक कासल बनाने वाला था। उसके लिए जो आइटम्स चाहिए थे, काफ़ी सारा आइटम जो चाहिए थे, वो सबको लेने जाना होगा। और काफ़ी बड़ा बनाने वाले हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आइटम सब लगेंगे। इसको ले के आओ अपने यहाँ इस छोटे से घर में स्टोर करो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बनाया जाए वर्ल्ड बिगेस्ट चेस्ट। जी हाँ गाइस, वर्ल्ड बिगेस्ट चेस्ट। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया तो मुझे एक मिला, एक यूट्यूबर मिला। उसने एक वर्ल्ड बहुत बड़ा चेस्ट बनाया था जिसमें हम लोग कम से कम 12,750,400 आइटम को स्टोर कर सकते हैं, यानी 12,000,000 प्लस आइटम को स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, 12,000,000 प्लस आइटम को हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा ये तो मेरे लिए अच्छा वाला बात हो गया, मैं इससे बड़ा बनाऊंगा और अपना कासल वसल जितना भी सबका मैं उसी में आइटम सब स्टोर करूंगा। मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और मैं कहाँ बनाने वाला हूँ, कैसे बनाने वाला हूँ, चलिए फिर आज के इस वीडियो में पूरा देखते हैं। और आई होप आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि घर बनाने में इतना टाइम लगा है, तो समझ ही सकते हैं कितना समय लग सकता है, क्या करें। हाँ, लेकिन 2 एपिसोड तक मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। चलिए मैं आज इस पहला एपिसोड में मतलब इस चेस्ट वाले का फर्स्ट एपिसोड में मैं करूँगा पूरा, जैसे बेस वोस कम्प्लीट हो गया ये सब, और चेस्ट वोस बनाना वनाना। चेस्ट भी बनाना पड़ेगा ना गाइस, चेस्ट भी बनाना पड़ेगा, एक दो चेस्ट थोड़ी ना, बहुत ज़्यादा चेस्ट को मैंने कैलकुलेट अभी किया नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना चेस्ट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। सोच लीजिए अब कितना चेस्ट लगने वाला है। मुझे तो लगता है पूरा का पूरा एक चेस्ट से भरी जाएगा, एक नहीं 2-3 चेस्ट कम से कम चाहिए। अभी देख लेते हैं, अभी पहले फर्स्ट पर्सन पे आ जाते हैं गाइस हम लोग, फिर सो लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ बनाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आ गया फर्स्ट पर्सन में, पहले चलिए सो लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सो लेते हैं, मेरा घर बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, महल बनाएंगे उसमें रहेंगे। ये गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए सुबह हो गया। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मैंने इसमें एक वाटर मेलन भी अच्छा से ग्रो हो रहा है यहाँ पे। ये सब जितना भी छोटे छोटे दिख रहा है इस सब में मैंने वाटर मेलन भी डाल दिया है। और ये है पोटैटो, और इस बैरल में मैंने कुछ पोटैटोज है वो दिखाता हूँ। देखिए 19 पोटैटोज है, और ये वाटर मेलन के बीज है, इसको मैंने डाल दिया है। अभी शायद हुआ नहीं, नहीं पता क्या, चलिए फिर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक पहले जगह दिखाने से पहले एक चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ, इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें हम लोग 27 आइटम्स रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यस गाइस, एक सिंगल चेस्ट में हम लोग रख सकते हैं 27 आइटम्स। बिल्कुल एक चेस्ट में हम लोग 27 आइटम रख सकते हैं। अब सोचिए 12,000,000 प्लस, यानी मैं कम से कम 15-20 मिलियन आइटम बनाऊंगा, 20 कम से कम बनाऊंगा, ताकि कोई तोड़े तो रहे भाई कि वहाँ मैंने 20 मिलियन बनाया है उतना बड़ा चेस्ट। अभी तक 12 प्लस है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बस देखा, मैं वर्ल्ड बिगेस्ट देख रहा हूँ क्योंकि और कोई तो बनाया नहीं उस उतना बड़ा। मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया कि क्या कौन कैसे क्या नहीं, इस बस एक ही मुझे मिला, एक नहीं बहुत मिला, लेकिन उसे छोटा छोटा सब मिल रहा था, यही मुझे सबसे बड़ा मिला। तो मैंने सोचा चलो इससे ज़्यादा बनाते हैं, मैंने सोचा 20,000,000 आइटम्स बनाएंगे गाइस, 20,000,000 आइटम्स, उससे भी ज़्यादा प्लस 20,000,000 प्लस एक में होता 27। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं आपको, बस एक मिनट रुक जाइए।
गाइस 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 गेस कीजिए कितना, कम से कम कितना चाहिए होगा हम लोग को, गेस कीजिए गेस कीजिए। मैंने जब कैलकुलेट किया मैं ही शौक में आ गया भाई साहब, इतना मैं खुद शौक में आ गया गाइस। कोई ना, इसको तो मैं आज करके ही रहूँ, आज नहीं दो एपिसोड या तीन एपिसोड, मैक्सिमम तीन एपिसोड है, क्योंकि मैंने चेस देख के मेरा हालत ख़राब हो गया। तीन एपिसोड मैक्सिमम लगेगा गाइस पूरा का पूरा को कंप्लीट करने में, इस चैलेंज को देख लेते हैं, या फिर मैं आप लोग को ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर करके मैं आप लोग को दो ही एपिसोड में कम्प्लीटली दिखा दूँगा। ठीक है गाइस, अब देख लेते क्या है, मैक्सिमम तीन एपिसोड में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तीन एपिसोड। ठीक है, मैं अभी आप लोग को जस्ट बता देता हूँ कितना लगेगा, 7,50,000। जी हाँ गाइस, 7,50,000 चेस्ट हम लोग को चाहिए, 7,50,000, तब हम लोग का होगा 20 मिलियन प्लस। बिल्कुल गाइस, 20 मिलियन प्लस, तब जाके होगा हम लोग का 20 मिलियन प्लस। भाई साहब मैं सोच ही पड़ गया, इतना चेस्ट, उसके लिए सबसे पहले मैं तो अपना आयरन तो वेस्ट नहीं करूँगा, आयरन कितना एक्स बना के मैं स्टोन का एक्स बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं स्टोन का एक्स बनाता हूँ, जितना हो सके सबसे पहले मैं एक स्टोन का एक्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। एक दो नहीं बहुत लगेगा, क्योंकि उतना मेरे पास है नहीं। ये रहा, और मुझे कुछ चाहिए प्लैंक्स, प्लैंक्स इसमें है, हाँ इसमें नहीं, इसके पीछे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इस सामने होगा, इसको छोड़िए कोई और देखते हैं, इसी में है, इसी को हम लोग एक स्टैक लेते हैं, एक स्टैक नहीं 37 पीस काफ़ी है। फिर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल में स्टिक बनाएंगे, एक मिनट, उससे पहले अपना सामान सभी जो आलतू फालतू सामान को रख देता है, क्योंकि जा रहे हैं भाई, क्या बोले, कितना वुड का लॉक कितना चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, मैं खुद सोच पड़ा हुआ हूँ। एक बकेट पहन देते हैं, ये रहन देते हैं, हाँ आयरन को भी यहाँ रख देते हैं, और मैं अपना ये आयरन आर्मर पहन लेता हूँ। हाँ तो अब हम लोग क्राफ्टिंग करते हैं, हम लोग को स्टिक सबसे ज़्यादा करना होगा क्राफ्ट का। भाई गाइस गाइस हालत ख़राब हो जाएगा, ये तो ये इतना ही भर गया, ये हम लोग स्टिक तोड़ेंगे तो अपना वो उसको रखेंगे कहाँ, कोई बात नहीं, इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहले इस प्लैंक्स को रखते हैं इसमें, इस कॉबलस्टोन को रखते हैं इसमें, स्टिक्स को रखते हैं, यानी एक तीन स्टैक के लिए जगह हो गया, कुछ पिकेक्स को भी रख देते, क्योंकि पिकेक्स का तो काम अभी है नहीं, अभी तो हम लोग को बस वुड चाहिए। तो मैं आयरन के स्टिक्स को भी रख दे रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच स्टैक, मैं इस जगह पर बनाने वाला हूँ, मैं इस विलेज को पूरा का पूरा मैं तोड़ूंगा गाइस, जितना भी सबको मैं तोड़ूंगा, और मैं तोड़ के यहाँ पे बनाने वाला हूँ, यहीं पे बनाऊंगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा भाई साहब, क्या देखने में मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं तो विलेज अभी पूरा लूटा भी नहीं हूँ सही से, क्या विलेज में क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान नहीं है, इसमें एक टॉर्च, यहाँ पे तो कोई चेस्ट है नहीं, वैसे भी यहाँ पे इतना सारा लॉग है, इतना सारा भी नहीं, थोड़ा बहुत है, काम चला। अब इस वाले घर में देख लेते हैं, ये सब का गेट ओपन है शायद, मैंने इस घर में देख चुका, एक बार फिर से एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, क्या पता कुछ छूट गया हो। और एक चेस्ट, इस चेस्ट में कुछ नहीं, शायद मैंने लूट लिया था, कोई बात नहीं। अब सामने वाले घर में चलते हैं, ये भी गेट ओपन है, ये भी मैंने लूट ही लिया है, पर जाने का, हाँ यहाँ से ऊपर डाने का रास्ता जो मैंने आपको चेस्ट खोल के दिखाया वही है, ये भी खुला हुआ है, इसको भी मैंने साथ चेक कर लिया है। एक मिनट, एक और मुझे मिल गया ये लॉग, और ये क्या है, एमरल्ड, एमरल्ड ये क्या है गाइस, चलिए इसको भी ले लेते, सर मैंने इसको चेक नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे सामान सा है,
यहाँ से फॉर्म सब जितना था मैंने यहाँ उसको रख कर स्टोर दिया, यहीं से मैंने आलू चुरा के लेके गया था वहाँ पर रखे थे। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देख सकते पूरा का पूरा हो चुका है, मैंने पूरा पूरा विलेज को लूट लिया है। सामने भी एक विलेज, एक मिनट, विलेज नहीं है, घर है सामने, हाँ इसको भी मैंने लूट लिया। अब यहीं पर मैं पूरा पूरे इस एरिया को खाली करने वाला, पूरा पूरा इस एरिया को मैंने क्लीन करूँगा। फिर सबसे पहले चले स्टार्ट करके यहाँ का जितना भी वुड है ये सबको तोड़ना। वैसे मैं करूँगा तो मेरा भी भाई साहब एक वीडियो बनने में कम से कम 40 मिनट का वीडियो, 30-20 मिनट का वीडियो 2 GB ले लेता है गाइस, इतना स्टोरेज है ना, इसलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों को वीडियो भी बंद करता हूँ। डायरेक्ट में जितना भी आप विलेज मतलब घर है वो सबका छत उड़ा कर मैं आप लोग से मिलता हूँ, बस मैं छत उड़ा कर मिलूँगा आप लोग से, फिर मैं जाऊंगा वुड को मतलब और ही सब जितना भी वुड को तोड़ने उसका थोड़ा सा टाइम लैप दिखाऊंगा, बस हो गया। ठीक है गाइस, गाइस 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 एक प्रॉब्लम हो चुका है और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। जब मैं ये बना रहा था, क्या बोलते हैं, अभी जब मैं वहाँ पे एरिया सब क्लीन कर रहा था तो मैंने बोला था कि मैं बस जितना भी हाउस है वो सबका छत उड़ा के मैं आप लोग से मिलता हूँ, यानी जितना भी हाउस है वो सबका छत पे का उड उड काट कुट के सब चीज़ का मतलब मिलते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने काट लिया और मैंने उसके बाद का जो भी स्टेप्स किए उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया ही नहीं, मेरा वीडियो ऑफ ही रह गया। यही है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और ऑफ रहने में मैंने क्या क्या कर दिया मैं आप लोग को दिखा भी नहीं सकता। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अब वापस वो सबको तोड़ तार करना था बहुत टाइम का, वो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। गाइस मैं आप लोग को प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या हो गया था प्रॉब्लम। मैंने एरिया छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा एरिया क्लीन कर दिया और मैं आप लोग को दिखाया भी नहीं, दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मतलब जहाँ तक बनाएंगे वो सारा का सारा एरिया मैंने क्लीन कर दिया। इस साइड भी कितना पानी पानी था वो सबको भी मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। अगर अभी मैं 2 ब्लॉक डिग करूँगा, 1-2, एक बार और 1 ब्लॉक और डिग करेंगे तो वो पानी आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। नहीं आया शायद, इस जगह पे पानी नहीं था, इस जगह पे पानी था, मतलब समझ लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब मैंने ज़्यादा ब्लॉक्स का वो किया नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स का मैंने वो किया है बस। अंदर इस साइड सब में जितना भी पानी था उस साइड, वहाँ पे मैंने 2-2 का गैप ही रखा, वहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। इस साइड नहीं पता क्या हो गया, शायद कहाँ पे था पता नहीं, अंदर मतलब यहाँ पे देख यहीं पे, यहीं से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 और 2 2-2 ब्लॉक और इस साइड मात्र 1-1 ब्लॉक का, बस मैंने यहाँ समझ लिया बस कवर कर दिया मैंने, और इस साइड भी था काफ़ी सारे, सबको मैंने तोड़ ताड़ दिया। और आइटम सब यहाँ है सामने, यहाँ पे चेस्ट में मैंने रख दिया, और इस साइड भी था, इस साइड भी मतलब इस साइड भी काफ़ी सारा एरिया था, उस सबको मैंने क्लीन कर दिया है।
रात हो गया, ठंडा स्टॉर्म आ गया, सोना पड़ेगा। सब इंतजार कर रहा मेरा। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो सुबह हो गया, अब ज़ॉम्बी सब मर रहा है। मैंने वो भी एक क्राफ्ट कर लिया, लेकिन एरोस मेरे पास होने तो चाहिए। मेरे पास एरोस होने चाहिए, ये रहा। और टॉर्चेस भी ले रहे थे, टॉर्चेस का भी काम होगा वहाँ पे। और खाना तो है ही, चलो इतना आइटम्स लेके चलते हैं। और बाकी का मेरे पास यार डॉट इतना सारा हो गया, क्या मैं बोलूं। इसलिए डॉट हम यहाँ पे, इसके ऊपर काफी सारा चेस्ट था, वहाँ पे मैंने काफी सारा डॉट को स्टोर कर दिया है। बस यहाँ पे उतना नहीं, ज़्यादा नहीं होगा डॉट, एक इतना डॉट है और इतना डॉट है, बाकी का डॉट सब ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ कोल्स मिले हैं और कोबल स्टोन भर भर के मिले हैं, और कोबल स्टोन भी मैंने काफ़ी वहाँ पे स्टोर कर दिया है, और काफ़ी यहाँ इस साइड भी है। और काफ़ी सारे जॉम्बीज को मैंने मारा है, तो जॉम्बीज से मुझे ये आर्मर मिला। मेरे पास जब गोल्ड और डायमंड का है तो मैं लेके क्या करूँगा। और हाँ गाइस, मैंने वो जो रूम बना रहे थे वहाँ पे कुछ आया था, उसका नाम पिलेजर है शायद, हाँ पिलेजर ही है, उसको मारने से कुछ मिलता है। ये देखिए, ये मिला हुआ था, मतलब उस समय तो मार नहीं पाए, लेकिन अभी दोबारा आए थे तो उसको मारे तो मुझे ये मिला, और ये क्रॉसबो मिला, और ये चेन बूट्स मिला, क्या पता क्या है। और बैकग्राउंड साउंड के लिए रियली रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कुछ कुछ कॉबल स्टोन्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे कुछ कुछ कॉबल स्टोन्स है, और इस साइड कॉबल स्टोन्स है, और इस साइड कॉबल स्टोन है, कुछ ग्रेनाइट्स है, कुछ डेट्रॉइट्स है, ठीक है। और इसमें मुझे कुछ कुछ थोड़ा बहुत आयरन मिला, कॉपर मिला, कोल मिला, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गया, और मुझे यहाँ पे स्प्रूक लॉक्स होते हैं वो मिला, मतलब काफ़ी सारा वुड मिला है, मुझे काफ़ी सारा वुड मिला। और यहाँ पे बस स्प्रूक लॉक था, इसलिए ज़्यादा से स्प्रूक लॉक मिला है। और ये कुछ मिला ब्रिक लॉक, और ये तो नॉर्मल ओक लॉक है, ठीक है। मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लूँ अभी फिलहाल, अब कौन जाएगा क्राफ्टिंग टेबल लाना। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रख देते हैं, जैसे कुछ भी क्राफ्ट वाफ्ट करना हो आराम से हो जाएगा। हाँ गाइस, कहाँ पे खोल गए यहाँ पे, ठीक है। और कुछ कुछ इतना खास आइटम्स मिले नहीं है, ठीक है, बस यही सब आइटम्स था। और मैंने यहाँ पे एरिया क्लीन कर दिया था, और मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दिखाने पर टाइम लैप्स दिखाने के उसके लिए सॉरी एकदम गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी यार, मतलब रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए हम, भूल गए क्या मतलब, ऑन ही नहीं किया रिकॉर्डिंग, हमको लगा ऑन कर दिया लेकिन ऑन ही नहीं था। कोई बात नहीं, यहाँ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से एकदम वहाँ तक, मतलब काफ़ी दूर है, उतना बड़ा हम लोग चेस्ट बनाने वाले हैं यहाँ पे। जी हाँ गाइस, हम लोग उतना बड़ा यहाँ पे चेस्ट बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जितना भी डर्ट दिख रहा है गाइस, यहाँ पे डर्ट की जगह मतलब ब्लैक कॉन्क्रीट हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं।
सी के ब्लैक कंक्रीट पाउडर अच्छा ग्रेवल चाहिए सैंड चाहिए अच्छा 8 मिलेगा और एक ब्लैक डाई चाहिए और ब्लैक डाई बहुत इजी है लेना उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है और सैंड्स और ये ग्रेवल ठीक है और मुझे काफ़ी सारा सैंड्स भी मिले थे यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही होगा यहाँ पे काफ़ी सारा सैंड्स भी थे और काफ़ी सारे सैंड्स भी मुझे मिले हैं और आयरन गोलम यहाँ क्या कर रहा है यहाँ पे कोई विलेजर लग रहा है कि क्या पता यहाँ पे भी काफ़ी सारे सैंड्स है यानी सैंड्स आराम से मिल जाएंगे ठीक है और हाँ गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाया हूँ कि नहीं दिखाया हूँ आई डोंट नो मैं अभी दिखा देता अरे दो तीन आयरन गोलम अच्छा हाँ इस साइड विलेज है एक इस साइड यहाँ पर सामने एक विलेज है मैं दिखाता हूँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ ये देखिएगा मतलब मैंने माइनिंग के लिए यहाँ पे पूरा एक यहाँ पर अच्छा खासा मतलब वो बना दिए हैं यहाँ देखिए ताकि आराम से ऊपर नीचे आने में काफ़ी सही रहे दिखा देते हैं देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा है और यहाँ पे अंदर हो गया माइनिंग वाइनिंग के लिए ठीक है यहाँ पे कुछ चेस्ट चेस्ट में कुछ कुछ सामान सब है ठीक है मतलब मेरे माइनिंग के लिए काफ़ी बेस्ट हो चुका है यहाँ पे मैंने सीढ़ी बना दिया तो बार बार पानी से ऊपर नीचे गिरो मरने का चांसेस भी है इसलिए हम सोचे अब छोड़ो हटाओ बना ही देते कितना टाइम ही लगेगा बना दिए वहाँ आप लोग को दिखा नहीं पाया ये छोड़िए ना ये सब नॉर्मल चीज़ है ठीक है और देख लीजिएगा यहाँ पे इतना बड़ा है मतलब इतना आगे तक है यहाँ से पूरा वहाँ तक है ठीक है अब क्या करना है अब क्या करना है मैं बता देता हूँ एक मिनट अब काम बहुत सिंपली है गाइस ऐसे ही तो थोड़ी ना हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे वैसे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही चुका है इसलिए मैं इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा हाँ मैक्सिमम मेरा 2 ही टारगेट रहेगा अभी इस पार्ट में बस मैं नीचे का फ्लोरिंग कंप्लीट कर ले रहा हूँ ठीक है बाकी का अगला पार्ट में हम लोग बिल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे यानी बिल्ड उल्ड जितने भी चीज़ है वो सब करना स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल बस हम लोग इस पार्ट में या तो फिर बस आइटम्स कलेक्ट करेंगे और ये फ्लोरिंग करेंगे ठीक है इस पार्ट में हम लोग आइटम्स और फ्लोरिंग दोनों कंप्लीट करेंगे ठीक है आइटम्स के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा इस ये देख लीजिए ये तो अभी कुछ नहीं है वुड अरे ये तो अभी कुछ नहीं है वुड इससे क्या ही होगा इससे कुछ भी नहीं होगा ये तो अभी बनाएंगे तो उसका हमको लग नहीं रहा कि फर्स्ट फ्लोर होगा अभी हम लोग को ये नहीं अब स्प्रूस ही चाहिए ये स्प्रूस लॉग ही चाहिए फिलहाल ये वुड अभी कोई काम का नहीं है क्या ही मैं बोलूँ बस ये अभी समझ लीजिए बच्चा है जो भी हम लोग बनाएंगे उसके सामने ये बच्चा है मैं बता देता हूँ बस ये सब मैंने किस लिए यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे ये सब किस लिए क्राफ्ट क्राफ्ट किया है बता देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही देखने में उतना सही नहीं लग रहा है इसलिए यार बेड लेके आना चाहिए था वैसे एक ऊल है और ये 2 सीप 2 ऊल एक और सीप है हाँ 3 सीप अब चलो यहाँ क्या जरूरत है इसको यहीं पर खल्ला अरे ये क्या हो गया मैं अपना खाना इसको यहाँ रख लेता हूँ ठीक है या फिर बेड बैठ अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्रीपर को मारो यार इस क्रीपर से बहुत डर लगता है डिस्पॉन हो गया हाँ डी स्पॉन होगा चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं और हाँ मैंने ये स्क्रू क्लॉक किस लिए किया था मैं बता देता हूँ ये नीचे भी जितना फ्लोरिंग है यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ जितना भी ये है
यहाँ पे जितना भी है इसको मैं लगाने वाला हूँ। ऐसे ऐसे पूरा का पूरा मैं लगाने वाला हूँ। सोच लीजिएगा इस कितना ज्यादा मेहनत लगने वाला है। छोड़िए अब मेहनत लगेगा, मेहनत लगेगा तो रंग भी फल आएगा गाइस। इसको ऐसे लगाते रहो। ऐसे ही प्रॉपर लगाना गाइस। यहाँ से जितना भी मेरे पास अभी वुड है फिलहाल स्प्रू क्लॉथ वो सभी का बस एक छोटा सा टाइम लैप्स आप लोग देख लीजिए गाइस। इस पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही रखूँगा। हाँ गाइस ठीक है, छोटा सा टाइम आप लोग देख लीजिए। फाइनली गाइस फाइनली 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 मैं सारा का सारा स्क्रू क्लॉक खत्म हुआ यार। इसको करने में भाई साहब लिटरली हालत ख़राब हो गया यार। कितना लाइन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा का पूरा 11 लाइन हो चुका कंप्लीटेड। 11 लाइन का बस थोड़ा सा कम से कम 10 ब्लॉक्स बचा, ज़्यादा नहीं, समझ लीजिए 11 लाइन पूरा पूरा कम्प्लीट करने में सारा हालत ख़राब हो गया और पूरा पूरा स्क्रू क्लॉक ख़त्म हो चुका है। और स्प्रूक लॉग ये सब जितना भी दिख रहा है वुड ये सब जितना भी इससे मिलता है और मेरे पास वो स्प्रूक सैम्पलिंग बहुत है। अगर हो सके तो ये सब को तोड़ेंगे, नहीं तो फिर मैं स्प्रूक लॉग स्प्रूक प्लैंक लगा के ही मैं वो सही करूँगा क्योंकि मेरा तो बोन मिल फार्म है ही, अच्छा खासा बोन मिल मिलता है, मैं वहाँ से आराम से कर्म कर सकता हूँ। अब देखा जाएगा क्या करना है, फिलहाल अभी मैं थक गया हूँ। हाँ गाइस थक गया, अभी वीडियो को थोड़ा देर पॉज करूँगा फिर आऊँगा और फिर मैं आगे काम करूँगा। मतलब अभी मैं फ़िलहाल मैं वुड कलेक्ट करने जा रहा हूँ, छोड़ो रेस्ट नहीं, मैं अभी फ़िलहाल वुड कलेक्ट करने जा रहा हूँ। रैबिट को टेम किया जाता है कैरेट से, कैरेट है मेरे पास, दो दो रैबिट, जल्दी कैरेट मुझे चाहिए, शायद कैरेट से ही टेम होते हैं, नहीं पता। कैरेट 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 कैरेट
यार कैरेट नहीं है गाइस, इसको मैं लीड कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसको मार ही डालते हैं, उससे कुछ मिलेगा रैबिट हेड करके, बस डिस्पॉन ना हुआ। हो गया, मुझे मालूम था जहाँ उससे दूर जाएंगे डिस्पॉन हो जाएगा। कोई बात नहीं, और स्पॉन होते रहेंगे। वैसे मैंने एक मारा है रैबिट को, तो यानी मेरे पास एक रैबिट हेड कर कुछ होगा। रैबिट हेड से गाइस हम लोग हॉर्स आर्मर बना सकते हैं, मतलब हॉर्स आर्मर नहीं वो सैडल, सैडल से हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं हॉर्स के हेल्प से, ठीक है। इसलिए अब मैं हॉर्स से ही मैं जाऊँगा, ठीक है, कहीं भी आने करना होगा वही हॉर्स से बेस्ट रहेगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ वुड माइनिंग करने, और मैं अपने डायमंड के एक्स से नहीं, मैं आराम से आयरन का एक्स बनाऊंगा, या फिर गोल्ड, गोल्ड तो मेरे पास है नहीं, डायमंड का नहीं, मैं आराम से आयरन का ही एक्स बनाऊंगा, उससे काफ़ी, उससे बस मैं माइनिंग करने वाला, ठीक है। अब बस पूरा पूरा माइनिंग करने के बाद मिलते हैं गाइस, क्योंकि इतना ही टाइम लग आपको दिखाने में, आपको ना लगेगा मात्र 10 या 20 सेकेंड, हमको पूरा का पूरा लग गया 15-20 मिनट गाइस, पूरा पूरा लग चुका। अब इसको मुझे थोड़ा अच्छा खासा से एडिटिंग करना होगा, वैसे कंप्लीट पूरा का पूरा करने में मैं पूरा का पूरा नहीं दिखाने वाला हूँ। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को पूरा नीचे का फ्लोर कंप्लीट करने के बाद ही मिलने वाला हूँ गाइस, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे का स्टेप बताऊँगा। उसके बाद में तो बस वीडियो बहुत लंबा हो चुका, ये पूरा पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मतलब अभी भी जा रहे माइनिंग वाइनिंग करने, थोड़ा देर में एंड करते हैं। गाइस फाइनली मैंने हो चुका कंप्लीट, मतलब मैंने पूरा का पूरा कर लिया कंप्लीटेड। यार अभी ऐसे 4 सैपलिंग बचा हुआ है, और बोन मिल सब खत्म हो गया, और बोन मिल रहता ना तो गाइस चारों का चारों को भी कर देते, बोन मिल खत्म हो गया। अभी अब उतना कौन था उतना एफ के करता, वैसे इतना काफ़ी था, और अभी बहुत ज़्यादा ही मेरे पास आ चुका, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना आ चुका कि एक फ्लोर बन जाएगा, और मैं आप लोगों को बस एक फ्लोर का ही टाइम लैप दिखा सकता हूँ। वैसे अभी आज के इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में ही मैं पूरा एक फ्लोर का टाइम लैप दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा मतलब अगला पार्ट में ही पूरा हो जाएगा कंप्लीटेड, क्योंकि ये वाला पार्ट हो गया देखिए बस ग्राउंड फ्लोर का, मैं दिखा देता हूँ ग्राउंड फ्लोर आइटम सब कलेक्ट करने का, ठीक है। और क्या क्या है, कैसे कैसे बोलते, रुकिए एक मिनट, पहले फर्स्ट पर्सन पे आ जाते हैं। यहाँ पे है इसको अभी नहीं लगाना, इससे पहले पहन लेते हैं आर्मर सब। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा यानी यार पूरा का पूरा मैंने इसको कंप्लीट कर दिया यार, बहुत हालत टाइट हो गया यार पूरा कंप्लीट करने में, सही में हालत पंचर जो हुआ है ना मेरा गजब हुआ है। लेकिन यहाँ भाई ब्लैक कंक्रीट अगर मैं लगा दूंगा ना गाइस बहुत एपिक दिखने वाला है, लेकिन बहुत मस्त दिखने वाला है, ठीक है। वो भी मैं कर दूंगा अगला वीडियो में, कर दूंगा यहाँ का काम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कलेक्ट किया है। यहाँ पे ऑक्स लैक्टिंग तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख लीजिए ये 4 और ग्रो कर देते बट उतना था ही नहीं, इसलिए इतना एक हुआ है, ठीक है। और मैं रेस्टोन कुछ और माइनिंग वाइनिंग करके लाया हूँ, रेस्टोन लाया हूँ, रेस्टोन टॉर्चेज लाया हूँ, और ये हो गया रेस्टोन रिपीटर, ये हो गया रेस्टोन, ये भी रेस्टोन कंपोरेटर, और कुछ कंपोरेटर इस साइड है, और ये ओक, ये कॉर्ड नेदर से लाए हैं। ये मैं भी आप लोगों को नेदर नहीं दिखाने वाला, मैं तो आप लोगों को बहुत बार बता भी चुका, क्योंकि अभी नेदर में मैं कुछ कर रहा हूँ, जब वो जिस दिन मतलब जब एकदम अच्छा वाला, मतलब जब अभी नहीं कम से कम 4, 5, 6 या 7, 8, 9 अब देखिए मतलब अभी फिलहाल नहीं, जब मेरा गोल्ड फार्म बन जाएगा, अब जब भी बने गोल्ड फार्म उसके बाद ही मिलाने वाला, और गोल्ड फार्म में कम से कम 4 या 5 एपिसोड में बना के रख लूँगा, ठीक है, ज़्यादा कोई फिक्र वाली बात नहीं। ये उसके बाद मैं आप लोगों को नेदर का टूर कराऊंगा, ठीक है। नेदर कॉर्ड मिला,
और नेदर कॉर्ड चाहिए वो बनाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। आरईडी रेड, ये देखिए ये तो सिंपल, ये तो बन चुका है। और ये देखिए एक पॉट चाहिए होता है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर टॉस पे आराम से बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बनाना यार, एक भूल गए, वैसे हम लोग बना भी सकते हैं वहाँ पर, वो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ करना ही भूल गए। अब जब जब करना ही भूल गए, और गाइस ये वाला नेदर जो है कहाँ गया, ये जो ये नेदर रैक है मतलब नेदर क्वार्ट, ये मेरे पास था, अभी फ़िलहाल हम गए नहीं है नेदर से लाने, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। इसलिए कोई फिक्र वाली बात नहीं कि अरे भाई तू नेदर में गया भी कि नहीं गया, क्या भरोसा, तो कैसे क्रिएटिविटी में जाओ तो कुछ भी कर सकता है, तो नहीं भाई ऐसा मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं नेदर में नहीं गया क्योंकि मैं पहले ही जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ से मैं काफ़ी सारा माइंड करके ला दिया था, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम गए थे एक्साइटमेंट में जो जो मिला सब उठा कर ला कर रख दिया था, तो काफ़ी सारा ला कर रख दिया था, ठीक है। और इतना भी है ही, इतना ही सबको बना भी लिए फिर भी इतना है ही, काफ़ी सारा मतलब वहाँ पर हम गए तो मतलब ये बस हम समझ लीजिए यही और नेदर ब्रेक करके वही इसी को बस माइंड के सिर्फ, ठीक है, और किसी चीज़ को, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे मैं दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल चाहिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी एक पूरा 8 से यानी एक स्टैक बनेगा, ठीक है। चलो एक स्टैक बन गया, और एक इसलिए बनाएगा इस, अगर मैं ये फर्नेस रूम याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोग एक रूम बनाए थे वहाँ पे मैं इसको रखने वाला हूँ, लेकिन फिर अभी फ़िलहाल नहीं रखूँगा, अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मैं काम करूँगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे फर्नेस पे अपना आराम से मेरा सामान कुक भी होता रहेगा, ये बहुत फ़ायदा वाली गैस है, ठीक है। यहाँ से 3 4 5 5 है और 5 के स्टेप पर 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 इस साइड लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए गाइस 5 5 इस साइड लग चुका है, ठीक है। और कुछ कुछ इस साइड लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब और इसको उस साइड लगा देते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो चुका गाइस बस। अब फर्नेस को रख देते हैं, अब यहाँ से उठाते हैं काफी सारा इसको, भर भर के पूरा का पूरा स्टैक उठाओ, कोल कम है कोल भी लाना पड़ेगा, और इसको इसमें फिलहाल 20 20 सब में रखेंगे, 17 19 और ये हो गया 20, स्टैक 30 10 20, एक स्टैक
10-15-20 मिनट AFK करना पड़ेगा, मतलब बाकी सारा कोल सबके लिए वो बात नहीं है, मतलब इसमें से हम लोग को लेके इसको स्मूथ टोन में करना है एक बार और सबको कुक करना है। तब तक वहाँ से मैं अपना कोल लेके आ जाता हूँ, यहाँ से कोल सब ला देता हूँ। हॉपर बना ले क्या गाइस, इससे काम मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। वहाँ पे आयरन तो था ही काफ़ी सारा और कुछ हॉपर्स बच भी गया, ठीक है टोटल 50 हॉपर बना था और ये बच गया 30 हॉपर। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या सोच रहे दिखाते हैं, जैसे है इस सब में रखना है, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े जितना मन उतना रखते तो ये, ठीक है और इसमें बस कोल्ड रखो, कोल्ड रखो बस, जैसे समझ लीजिए ये एक कुक होगा, कुक हुआ नीचे गया फिर ये इसमें कुक हुआ, बस यही तो चाहिए था हमको, ऐसे कुक होते रहेगा इसमें आते रहेगा आराम से, पूरा पूरा एक स्टैक कुक होगा, हमको यही तो चाहिए था। फिर यहाँ पे नीचे आके स्मूथ स्टोन में कुक होगा, बस ऐसे एक बार में डबल डबल काम होगा, काफ़ी आसानी भी होगा। और इसको रखो अब कुछ देर AFK करना होगा। चलिए अब कुछ देर बस AFK करते हैं। अच्छा नीचे कोल सब रखे हैं, अब कुछ देर AFK करना होगा, ठीक है कुछ देर AFK अब करते हैं, देखते हैं। ओह ओह गाइस ओह यार हालत टाइट हो गया यार, उस साइड भी हम कर दिए, इस साइड का सारा खत्म हो गया, इस सबको मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए और भी मतलब पूरा पूरा एक डबल चेक भर चुका, ये कुछ नहीं है गाइस, ये मात्र 2% हुआ हम लोग को जितना बनाना है उसका मात्र 2 या 1% है, ठीक है अभी और इसको कर रहे हैं, एक एक स्टैक जब हो रहा है तब हम कर रहे हैं, पूरा पूरा एक स्टैक होने दो, पूरा पूरा होने दीजिए गाइस, थोड़ा हम ले लेते क्या हो जाएगा। ऊपर में नीचे ही होगा जो भी हो, गाइस देख सकते इतना हो चुका है भाई साहब, बहुत हालत टाइट हो गया, अब मेरे पास हिम्मत नहीं है खेलने का और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब अगला वीडियो में पूरा का पूरा कोशिश कर 100% रहेगा पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करने का, और इसको यहीं पर रहने दूंगा या फिर शिफ्ट कर दूंगा, अब देखा जाएगा, ठीक है ऐसे ही ठीक है अभी फिलहाल यहाँ पर, ठीक है और फिर वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे उसको, अपना जो रूम है वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और इसी टाइप में शिफ्ट करेंगे या फिर नॉर्मली, अब देख लिया जाएगा वहाँ पर, वहाँ का देख लिया जाएगा, ठीक है। और हाँ गाइस एक चीज़ अब याद आया हमको, जब इतना सारा माइनिंग कर लिए एक चीज़ याद आया, एक होता है एन्चांटमेंट, बिल्कुल गाइस चलिए वो अभी एन्चांटमेंट करने के बाद ही वीडियो को एंड करते, ठीक है मेरे पास जितना भी टूल्स है सबको मैं एन्चांटमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल गाइस उससे ये होगा कि पावर बढ़ेगा, जितना भी मेरे पास टूल है उस सबका थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, समझ लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ। उसके लिए चाहिए एन्चांटमेंट टेबल, और एन्चांटमेंट टेबल के लिए ये क्या है ऑब्सीडियंस,
और डायमंड्स चाहिए और ये लैपिस लजूली चाहिए, बस ये सब चाहिए। ठीक है, और इससे बनेगा हमारा, अच्छा यस नहीं जी, यस नहीं, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ लैपिस लजूली। हाँ, हमें लैपिस लजूली का ब्लॉक नहीं चाहिए, एक बुक भी चाहिए शायद, एंड हाँ ये रहा एन्चेंटमेंट टेबल, एक बुक चाहिए। और बुक कैसे बनता है, नहीं सिर्फ बुक, हाँ तीन पेपर एक लेदर, एक लेदर तो है ही, और पेपर देखा जाए, पेपर 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 होना चाहिए बस, आई थिंक सो पेपर होना चाहिए, पेपर कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम ला लेंगे, पेपर काफी आसानी से मिल जाएगा भाई, सच में नहीं है, कोई बात नहीं, चलो लेके आते हैं। और पेपर के लिए हमें चाहिए शुगर कैन, इस साइड से लेके आते हैं, चलिए शुगर कैन से पेपर बनता है गाइस, शुगर कैन, तीन शुगर कैन चाहिए होगा, तीन शुगर कैन और पेपर, और लेदर है ना शायद, चलो मार ही देते हैं क्या हो जाएगा, मिल गया लेदर, वो दिख रहा है शुगर कैन, अब रात भी हो रहा है, चलो यहाँ से तीन ले लेते हैं, वापस से प्लेस भी कर देंगे, नीचे भाई सब पानी होनी है, नहीं मरेंगे, और मुझे भी मरना नहीं है, कितना, चार शुगर कैन मिल गया, चार शुगर कैन मिल गया, अब चलिए सोते हैं उसके बाद चलते हैं, और तीन ही शुगर कैन से सर पेपर बनता है, अब देख लेते हैं, यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल भी है, यहीं पे नींद मार लेते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यहाँ से बुक, बुक के लिए चाहिए पेपर और पी ए पी, पेपर तीन यहाँ हो गया, अब बनेगा बुक, बी ओ के बुक बन गया, अब बनेगा एन्चेंटमेंट टेबल, टंटना, अब इसको कहाँ पे क्या करना, रुके मैं दिखा देता हूँ, इसको सीधे हम लोग अपने रूम में ही लेके चलते हैं, आराम से वहीं पर शिफ्ट कर देते हैं इसको, मेरे पास टूल्स है, लैपिस लजूली है, छः डायमंड है, डायमंड को पे स्टोर कर देते हैं, और गाइस ये वाला बिगेस्ट चेस्ट हमको आइडिया पता है कहाँ से मिला है, एक यूट्यूबर है उन्होंने बनाया था ये चेस्ट, ठीक है, और उन्होंने बनाया था कि उनके मतलब उनमें स्टोर हुआ था टोटल 12 मिलियन आइटम्स, 12 मिलियन प्लस, यानी लमसम 12 मिलियन, ठीक है, समझ लीजिए 12 मिलियन ही है, और ज़्यादा नहीं, 13 मिलियन से कम था, 12 मिलियन के आस, 12 मिलियन से ज़्यादा था, ठीक है, इसीलिए हम सोचे क्यों ना हम भी बनाते हैं, और हम बनाएंगे क्या बोलते हैं, हम जो बनाएंगे वो काफ़ी 12 मिलियन से ज़्यादा स्टोर हो सके उस लाइफ में, यहाँ पर रखा गया गए, अब क्या करना हम लोग को, यहाँ पर लैपिस लजूली को रख देना है, एक अपने आर्मर को उतार लो, और लैपिस लजूली को यहाँ रख दो, और इसको रखो, अब क्या मिलता है, ये प्रोटेक्शन,
प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन लैपिस लेजुली का एन्चेंटमेंट लेवल 1, दोनों सेम लग रहा है। प्रोटेक्शन ऊपर वाला करते हैं, प्रोटेक्शन बस इसमें एक लैपिस लेजुली और तीन एन्चेंटमेंट लेवल लग रहा है, तो अंतर क्या हुआ गाइस? चलो है हाई वाला ही कर लेते हैं, क्या जा रहा है अपना। और ये क्या है, ये भी प्रोटेक्शन ही है, ये भी प्रोटेक्शन वन प्रोटेक्शन, भाई सब लूट रहा है, ये तो दे रहा है एक ही चीज, ये भी प्रोटेक्शन, मतलब पूरा पूरा प्रोटेक्शन मिल गया गाइस। और ये हो गया फायर प्रोटेक्शन, और फेदर फॉलिंग हो गया, जैसे ऊंचाई से गिरेंगे तो बचत होगा, और ये हो गया फायर प्रोटेक्शन वन। क्या करेगा इस फायर प्रोटेक्शन लगा लेंगे तो यानी लावा में गिरेंगे तो ज़्यादा उतना फर्क पड़ेगा नहीं, अगर मैं नदर में जाऊँगा तो लावा हुआ रहेगा वो। और ये है फेदर फॉलिंग, अगर ऊंचाई से गिरूँगा तो थोड़ा कम डैमेज पड़ेगा। अरे ये क्या लग गया, फेदर फॉलिंग लग गया यार, हम फायर प्रोटेक्शन लगा देंगे। शार्पनेस डायमंड का सबल में अनब्रेकिंग लगा लें, पिकेक्स में अनब्रेकिंग एफिशिएंसी 1, अनब्रेकिंग एफिशिएंसी लगा, और बो में पावर 1, पावर ही लगना चाहिए। एक्स में शार्पनेस 2, स्माइट 1, स्माइट फर्स्ट। ये क्या होता है, कौन सा बेस्ट है गाइस, शार्पनेस या फिर ये स्माइट? शार्पनेस का कोई जरूरी नहीं है, स्माइट बनाना, अलग अलग चीज बनाना, शार्पनेस इसमें है। चलो गाइस अब हो चुका है मेरा पूरा आर्मर कंप्लीट, अब मैं इसको पहनता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा गाइस, बिल्कुल गाइस ये देख लीजिए पूरा पूरा फुल टच आर्मर पहन चुके हैं, बाकी इतना सारा तगड़ा मतलब स्माइल एफिशिएंसी सब लगाते हुए एकदम मस्त वाला है गाइस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और आज के इस वीडियो में इतना खास हुआ भी नहीं है, मतलब आज के इस वीडियो में बस थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बोला जाए तो नीचे का बस अभी समझ लीजिए बेस हुआ है, ठीक है, ओनली वन बेस हुआ है। अगला वीडियो में पूरा फाइनल टच हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा डिट्टो कंप्लीटेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अगला वीडियो कंप्लीट करने में, ठीक है गाइस। अभी के लिए बाय बाय।